Hey guys, good morning. Welcome back to The Hindu News Analysis. My name is Navin Yadav और आज ये 26th of November, देखिए आज के दिन ही एक दुखद घटना हुई थी, टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर मुंबई के अंदर 26 नवंबर को, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, उससे रिगार्डिंग तो न्यूज़ आई है वो भी हम देखेंगे। चलिए देखिए, चार क्वेश्चन पूछे थे, मैं उसका आंसर बता देता हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये परसों की फ्राइडे सैटरडे की जो वीडियो उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट था, रिसर्चर एट विच IIT हैज डिवाइस्ड ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू बूस्ट LPG डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए LPG डिस्ट्रीब्यूशन हाउस होल्ड में कैसे बूस्ट किया जाए, इसके लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक स्टार्ट किया IIT, कौन सी IIT ने स्टार्ट किया, तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एवर सीवर क्लीनिंग मशीन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सीवर क्लीनिंग जो है, पहली सीवर क्लीनिंग मशीन जो है स्टार्ट की, जो अनसेफ जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसको खत्म कर सके। आंसर इसका सुलभ इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, देखिए वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड होटल, पहला वर्ल्ड का जो फर्स्ट अंडरग्राउंड होटल जो है कहाँ पे खोला गया, किस सिटी के अंदर। आंसर शंघाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, देखिए 27th जो बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग, तो वो कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। ये मैंने डिटेल में आपको समझाया है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए कि क्या, या इस चीज़ को समझने में बिल्कुल वो मत कीजिए, ठीक है। पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया था, बेसिक कंट्रीज क्या हैं, आशियान क्या है, और कल मैंने रात को आपको एक वीडियो भी दी है बहुत अच्छी, जो डिबेट्स राज्यसभा बिग पिक्चर का डिबेट्स है, वो भी जो है आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई भी इशू आता है या कोई भी आपको लगता है कोई चीज़ कहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, naveen1290@gmail.com, ठीक है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। देखिए आज के चार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन 2018 एशियाज एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। ठीक है, 2018 के एशिया का एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड किसको मिला है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, या सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसके अलावा एनवायरमेंट का कोर्स भी चल रहा है, आप धीरे धीरे देखते रहिए, प्रीलिम से पहले 2-3 महीने पहले हम उसको खत्म कर लेंगे। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए अभी जो फहमीदा राइज जो अभी यानी कि उनकी डेथ हो गई है, ये बोलते हैं फहमीदा राइज वो पास्ट अवे रिसेंटली वॉज द नोटेड पोएट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑफ विच कंट्री। कौन से देश से बिलोंग करती थी फहमीदा राइज, केनिया से, पाकिस्तान, इसराइल या अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भूधार पोर्टल टू मेक लैंड रिकॉर्ड एक्सेसिबल टू पीपल। यानी कि ये देखिए पोर्टल स्टार्ट किया है, ये बताना आपको कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो इससे क्या होगा, लोग अपना जो है लैंड रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट वगैरह पे जाके जो है अपना लैंड रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो आंसर बताना आपको आंध्रा, कर्नाटक, उड़ीसा या असम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वो हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 11,000 रन इन रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी जो डोमेस्टिक हमारी क्रिकेट लीग होती है, तो उसके अंदर जो है 11,000 किसने जो पहले प्लेयर है जिन्होंने 11,000 स्कोर किया है, तो ये चार ऑप्शन है आपको, शिवम चौधरी, वसीम जाफर, हिमांशु अरोड़ा और अलमस शौकत, ठीक है, इसमें से बताना आपको। चलिए देखते हैं क्या क्या आज जो एडिटोरियल, आज सिर्फ हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे क्योंकि वैसी न्यूज़ खास आई नहीं है, अगर कुछ होगी तो मैं फिर बाद में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ये देखिए एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान में जो एक अमेरिका के जो नेशनल है उनकी डेथ हो गई और उनको जो है सेनेटल जो वहाँ के ट्राइब है उन्होंने मार दिया उसको, ठीक है, तो ये पूरा डिस्कस करेंगे। ये मलेरिया से रिगार्डिंग है, मलेरिया की जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, मलेरिया की डेथ्स काफ़ी कम हो गई है, और गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना चाहिए। ये मुंबई टेरर अटैक से रिगार्डिंग है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये बस कह रहे हैं कि किस तरह जो है पूरा टेररिस्ट जो ये अटैक था ऑर्गेनाइज किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, उसके बाद क्या किया इंडिया ने, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी, उसके बाद NSG जो उस समय पहले सिर्फ गुड़गावा के पास जो मानेसर है वहीं पे NSG की फोर्स होती थी, अब जो है इसको 4-5 जगह और जो है बूस्ट कर दिया है, हमने जो है अपनी जो नेवल फोर्सेज है, ठीक है, और उसको भी अलर्ट कर दिया है, कोस्टल जो फोर्सेज है उनको भी अलर्ट करके रखा है, तो ये कुछ चेंजेस किए हैं टेररिस्ट अटैक के बाद, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, बस आपको ये पता है टेररिस्ट से रिगार्डिंग कितना क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा जो है आर्टिकल है सिल्क रोड से रिगार्डिंग चाइना का, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग है, जब हमारे
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उससे रिगार्डिंग पूरा ये आर्टिकल है। ये देखिए कहते हैं कि आज के टाइम में जो है जब जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देता हूँ, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देखिए ये था कि हमारा जो कंट्री होगा सेकुलर होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में कुछ फोर्सेज हो गया, जैसे आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद, या इस तरह के जो लोग हैं जो एक सेकुलर छवि है हमारे जो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो नॉर्म्स में दिया हुआ है तो उसको जो है छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो वो सब थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है और थोड़ा रिलीजियस टॉपिक है ये, तो एग्जाम में इस तरह के टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज, 1, 2, 3, ठीक है, 3 आर्टिकल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये देखिए पहले मैं आपको अंडमान निकोबार लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये वाला देखिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है, सेंटिनल आइलैंड भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अलाउड नहीं है जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी ट्राइब रहती है सेनेटलीज रहते हैं, और सेनेटलीज क्या है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, करीबन वो ज़्यादा नहीं 15 ही जो है, ऐसा माना जाता है कि 15 सेनेटलीज ही बचे हैं या ऐसी ट्राइब बची है, लेकिन यहाँ पे जो है जाना आना अलाउड नहीं होता। अब ये क्या है, ये यूएस के एक नेशनल थे, ये यहाँ पे ट्राइब इसमें पहुंच गए, ठीक है। और इस पे पहुंचने के बाद क्या है, उन लोगों ने जो ट्राइब थे उन्होंने अपने जो हथियार वगैरह यूज करके, चाहे उनके पास बो हो या फिर जो छोटे मोटे हथियार है, उनसे इनको मार दिया। तो इसी के ऊपर पूरा कंट्रोवर्सी जो है इमर्ज हो गई, और उसी को जो है एडिटोरियल में डिस्कस किया गया। ये कहते हैं कि देखिए डेथ हो गई एक यंग अमेरिकन जो मैन थे उनकी, और ये कहाँ पे हुई, नॉर्थ सेनेटन आइलैंड पे, ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड के जो है उसी जो पूरा आइलैंड है उसी का जो एक पार्ट है ये। और ये कह रहे हैं देखिए बहुत डेंजरस डिबेट जो है स्टार्ट हो गया, कुछ लोगों को लगता है कि देखिए जो सेनेटलीज है उन्होंने इनको मारा है तो उनको कन्विक्ट करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि जो ये जो पूरी ट्राइब है, ठीक है, इसको जो है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो है इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन ये एटोरियल कहता है देखिए दोनों ही डिमांड जो है मिसगाइडेड है, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं बिल्कुल आज से नहीं, बहुत सालों से जो है, बहुत बहुत हजारों सालों, सॉरी हजार तो नहीं हो गया, करीब नहीं बोल रहे 100 या 200 साल से जो है आज भी जो है बिल्कुल अलग रहते हैं ये बिल्कुल। और ये कह रहे हैं धीरे धीरे इसका, इनका लोगों का एक्सटेंशन होना जा रहा है, और आप इस तरह अगर यहाँ पे आके कोई भी इशू क्रिएट करेंगे इन ट्राइबल, जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पे, तो जो है इनका एक्सटेंशन होने का चांसेज हो सकता है और ये हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। ये कह रहे देखिए जॉन चाओ की किलिंग हुई है अभी, ठीक है, ये ट्रेजेडी है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इस तरह का कॉन्टेक्ट करना ही नहीं चाहिए था सेनेटलीज के साथ। ये कह रहे हैं एक तरह से गलत डिसीजन था और डेंजरस डिसीजन था, और उसका भुगतान जो है जोन चाउ को करना पड़ा। ये देखिए और उसके अलावा बताते हैं, देखिए एक ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे जो है कोई भी अलाउड नहीं है, चाहे मिशनरी हो, स्कॉलर हो, एडवेंचरर हो, यूएस सिटीजन हो, इंडिया इंडियन हो, कोई भी अलाउड नहीं किया गया है नॉर्थ सेनेटल आइलैंड के अंदर, परमिशन के बगैर तो कोई नहीं जा सकता। हाँ किसी को परमिशन मिलती थी, वो भी रेयर सर्कमस्टांसिस में है। देखिए 1960s में परमिशन दी गई थी, एक यूएस के नेशनल थे, उन्होंने जाके जहाँ इन लोगों को फ्रूट्स वगैरह दिए और वो सब चांस हुए थे एक बार, लेकिन ये रेयरेस्ट है। और इस तरह की प्रिकॉशंस अपना रही है गवर्नमेंट कि ये जो एरिया है सेनेटलीज का एरिया है इसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। ये कहते हैं कि देखिए आज से नहीं, बहुत सालों से बे ऑफ बंगाल जो आइलैंड है, ये आइलैंड है अंडमान निकोबार, थाउजेंड ऑफ ईयर, देखिए थाउजेंड ऑफ ईयर से ही आइसोलेशन में रह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इनको जो है इस तरह की, देखिए कोई इम्यूनिटी भी नहीं है बेचारों को, अगर कोई इन्फेक्शन इनको हो जाती है या कोई इनको रेजिस्टेंस भी नहीं है, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है इनको, इस तरह से भी होके भी इतने हजारों सालों से ये आज तक जो है अपने आप को बचाए रखे हैं। ये कह रहे हैं इसके अलावा देखिए कुछ प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने की हुई है इन लोगों को, यानी कि यहाँ पे ऐसे लॉज बनाए हैं कि कोई जो है यहाँ पे नहीं जा सकता, और जो और भी अंडमान आइलैंड्स हैं उन पे भी काफ़ी प्रोटेक्शन है ताकि इंडिजिनस पीपल जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको बचाया जा सके, लेकिन जो सेनेटलीज है इनको तो बिल्कुल आइसोलेट है, यहाँ पर तो बिल्कुल जाने का जो है अलाउ नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने। ये कह रहे हैं कि देखिए ये इस तरह की पॉलिसी इसलिए बनाई गई ताकि कोई जो पोर्चर है वो एंटर ना कर जाए आइलैंड पे और जाके जो है उस चीज़ का बेनिफिट ना उठा ले, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पूरा जो है लॉ पूरा एनफोर्स किया गया। अभी इस पर काफ़ी डिबेट हो रहा था, देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स है, अगर इस आइलैंड के आसपास भी घूमा जाता है, ठीक है, इसके चारों चक्कर लगाए जाते हैं किसी भी कारण से जो फोर्सेज के द्वारा, तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और एक बफर मेंटेन करना होता है, यानी कि जो ये आइलैंड है तो इसके आसपास इतने एरिया पे जो है अंदर नहीं जा सकते आप, तो ये भी जो है पूरे लॉ में लिखा हुआ है। उसके बाद भी जो यूएस के नेशनल है वो वहां चले गए, उन्होंने जो है एक तरह से पूरा जो वहाँ के जो लॉज हैं उसको वायलेट किया है। ये कहते हैं कि देखिए अगर सेनेटलीज की बात करें तो मोस्ट रिकल्सिव रिक्लूसिव
कम्युनिटी है, यानी कि इंक्लूड नहीं हुई है ये कम्युनिटी के साथ। आज भी वर्ल्ड की सबसे जो है बिल्कुल अलग रहती है कम्युनिटी, किसी के साथ इनका कोई जो है लिंक नहीं है। इनकी लैंग्वेज है वो भी जो है आज तक समझी नहीं गई है, और ग्रुप जो है इनकी लैंग्वेज को भी नहीं समझ सकता, इनके ट्रेडिशन भी बिल्कुल अलग है। और ये जो है अगर इनके आइलैंड के आसपास कोई आता है तो ये बहुत फियर्सली अटैक करते हैं, ठीक है, स्पीयर्स और एरो वगैरह यूज करके अटैक करते हैं। ये कहते हैं 2004 में देखिए जब सुनामी आई थी तो उस समय गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट भी वहां गए थे तो उनके ऊपर भी फायरिंग हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर बात करें तो ये जो चाउ है, चाउ जो यूएस के नेशनल है, ये इन्होंने लो को तोड़ा है और वहां पे जो है उस पानी के अंदर ये नॉर्थ सेनेटल आइलैंड के लिए गए, के पास गए, तो ये जो है आसपास के जो फिशरमैन है उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने इसको अलाउ किया और जो लेके गए वहां पे। ये देखिए ये फाइनल ये कहते हैं कि देखिए इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इस एरिया का हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिकनेस क्या है, और आज तक हम ये चीज़ जो है मेंटेन करते आए हैं, लेकिन अगर इस तरह का जो है आज इसको खराब करने की कोशिश की जाएगी यहाँ का हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिकनेस तो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। ये कह रहे हैं हमारा जो इशू है वो मेजर यही कि कैसे जो सेनेटलीज है उनको बचाया जाए। ये कह रहे हैं 2011 के सेंसस की अगर बात करें सिर्फ 15 ही लोग बचे थे। ये भी क्या है, ये देखिए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मैं बता रहा था आपको, टी एन पंडित, वो सबसे पहले गए थे 1960s में और उन्होंने बताया था करीबन 80 से 90 लोग हैं, और अभी एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सिर्फ 15 लोग वहाँ पे बचे हैं। ये कहते हैं कि देखिए डिग्री ऑफ इग्नोरेंस अबाउट द सेनेटलीज ऑफन स्पार्क एन ओरिएंटलिस्ट पब्लिक डिस्कोर्स। देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अलग अलग व्यू है, कुछ लोगों को लगता है कि इनको इंटीग्रेट करना चाहिए क्योंकि खत्म होना हो रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर ओवर पावर करना चाहिए, लेकिन ये कहे कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए ओवर पावर नहीं कर सकते, ये आज से नहीं बहुत सालों से जो है अलग रह रहे हैं, इनकी जो है यूनिकनेस हो गई, अगर इनको ओवर पावर करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। और ये जो चाउ की डेथ हुई है ये एक तरह से इंसिडेंट है, ये डेंजर है एडवेंचरिज्म कोशिश, जो एडवेंचर आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे या आप चाह रहे थे उस आइलैंड पे मैं चलाऊं तो ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं जो इनका ह्यूमन हेरिटेज है और डाइवर्सिटी है इनको हमें बचाने की जरूरत है और इनको जो है इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये बात सच है कि ये बहुत वनरेबल इनहेबिटेंट है, बिल्कुल जो है ये खतरे में है, लेकिन फिर भी हम जो इनकी यूनिकनेस है, यूनिटी है, इनका जो अलग रहने का एक तरीका है उसको हम वायलेट नहीं कर सकते, राइट। सेकेंड आर्टिकल है देखिए मलेरिया से रिगार्डिंग, ये बताते हैं कि देखिए अभी कुछ साल के पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा मोरबिडिटी और डेथ वगैरह बहुत होती थी मलेरिया के कारण, लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया है जो सस्टेन्ड पब्लिक हेल्थ एक्शन यानी कि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे एक्शन लिए उसके कारण जो है रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट उसका मिला है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 जो आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने भी ये बताया कि देखिए इंडिया ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया है और देखिए जो ग्लोबली भी जो है डेथ्स है वो बहुत कम हो गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो पहले अगर 100% थी अभी वो 40% रह जाएगी 2020 तक मलेरिया से डेथ, और आने वाले 2030 तक शायद इस जो एपिडेमिक ये प्रॉब्लम है मलेरिया की इसको पूरा खत्म कर लिया जाए। ये कह रहे हैं कि देखिए उड़ीसा जो स्टेट है उसने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पर ये एंडेमिक स्टेट था एक तरह से, यानी कि यहाँ से मलेरिया बहुत ज़्यादा केसेज मिलते थे, और गवर्नमेंट ने क्या किया काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, जो सोशल एक्टिविस्ट होती हैं, ठीक है, आशा जो हेल्थ एक्टिविस्ट होती है इनके ऊपर काफ़ी इनको काफ़ी रिक्रूट किया, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन किया जो इस तरह के जो मलेरिया वगैरह का जो मार सके इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स जो है इनको ख़त्म करने के लिए। ये कह रहे हैं कि देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बोला कि और स्टेट्स में भी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छा मिला है। ये कह रहे हैं कि यहाँ देखिए इस कारण से जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक कमिटमेंट देखने को मिली है बहुत अच्छी रही है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने और मेनली उड़ीसा या नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये डिजीज जो बढ़ती जा रही थी एक टाइम पे बहुत पहले उसको जो है कट करने की कोशिश की है, और बहुत जो है उसकी जो प्रिविलेंस है या फैलता जा रहा था मलेरिया आज से 10 साल पहले की बात अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने देखिए फंडिंग अच्छी की है, हेल्थ प्रोग्राम अच्छे चलाए हैं, और एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट दिखाई है जिसके कारण ये संभव हो पाया है। देखिए ये कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट को क्या करना है कि अपने अगर उनको लग रहा है कि मलेरिया कम हो गया तो ये नहीं कि फंडिंग को कम कर देना है या अपने जो पूरा जो वो एफर्ट्स ले रहे थे उसको कम नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कह रहे हैं पहले भी ऐसा देखा गया अगर हम अपने एफर्ट्स को कम लेती है गवर्नमेंट या कम करती है तो उसके कारण जो है मौत जो है फिर से जो है वो डिजीज फैल सकती है।
ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ मॉनिटरिंग की भी जरूरत है, जो काफी बार ऐसा देखा गया मलेरिया के कारण जो है पूरा जो थेरेपी सिस्टम है और वो काम नहीं करता। बहुत बार जो वेस्ट बंगाल में तो ऐसा केस देखा गया कि रिपोर्ट्स आई कि जो है ट्रीटमेंट जो है उसको रेजिस्टेंट हो गए लोग, यानी कि ट्रीटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कह रहे हैं ये चीजें गवर्नमेंट को ध्यान देनी पड़ेगी। जितनी डेथ, काफी डेथ्स हो जाती है किस केस में, तो उसका पूरा जो है एक होलिस्टिक जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो उसको सोचना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और कहाँ कहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल जो है आज भी वहाँ पे मलेरिया का बर्डन काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चलानी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो पब्लिक एजुकेशन है, सॉरी पब्लिक हेल्थ एजुकेशन है, उसको भी जो और बढ़ाना पड़ेगा। और जो रिमोट पॉपुलेशन है गाँव की, जो बिल्कुल दूर अलग हो जाती है, तो उन पे उनके उनको भी जो है मलेरिया का जो है इस तरह की दवाइयाँ दी जाएगी ताकि मलेरिया से वो अलग हो सके या मलेरिया से बच सके। ये कह रहे हैं देखिए रेजिस्टेंस जो है इमर्ज हो रहा है। ये कह रहे हैं कि देखिए म्यांमार वगैरह में कुछ ट्रीटमेंट की रिपोर्ट जो है सामने आई है, वहाँ भी जो है रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि मलेरिया जो है उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं देखिए एशियन कंट्रीज है तो इनको मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ये नहीं कि इंडिया का सिर्फ इंडिया में खत्म हो गया तो बिल्कुल जो है निश्चित हो जाए, और भी जो कंट्रीज आसपास की है या कहीं भी मिलकर अगर काम करना पड़े तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था। इसके अलावा देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आपको पता है कि ये चाइना का इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए कहाँ कहाँ से चाहता है, देखिए चाइना यहाँ से सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना चाहता है, इसके थ्रू यहाँ से यूरोप से, ठीक है, और यहाँ से आके फिर वेस्ट एशिया से पर्शियन गल्फ और फिर मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप में यहाँ भी कनेक्ट होना चाहता है। इसके अलावा यहाँ से चाहता तो ये है कि इंडिया से कनेक्ट होकर इंडियन ओशियन में साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, या साउथ चाइना सी और पैसिफिक, यहाँ पे पूरा जो है ये पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इनका। इसमें क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और इस एरिया को चाहते हैं कि पूरा जो है एक इस तरह की बेल्ट और रोड बना दिया जाए ताकि जो है आसपास और इसके तहत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसका बेनिफिट है और क्या ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए कहते हैं जब 1914 में पहला जो वर्ल्ड वार हुआ था और उसके बाद वर्ल्ड वार के बाद जो है पेरिस पीस फोरम में जब सब बैठे थे, जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, वर्ल्ड वार वन 1918 के अंदर, ठीक है, 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद जो है इंटरनेशनल कमिटी जो है सारी जो कंट्रीज आई और उन्होंने जो है पीस एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद ही जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकला और वर्ल्ड बैंक निकला। तो ताकि उसका काम ये था कि मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि सभी का जो है सब इसका बेनिफिट उठाए, वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए आज की बात करें तो धीरे धीरे जो है इनइक्वालिटी जो है चाहते थे कि खत्म हो, वो इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुई। आज भी जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा है वो सिर्फ वेल्दी जो नेशन से वही उठा रहे हैं, यानी कि जो अमीर नेशन है वही ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पास रिसोर्स ही है, वही जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, और भी जो इश्यूज है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का पूरा बेनिफिट वही लोग उठा रहे हैं। ये कह रहे थे कि चाइना की बात करें तो चाइना ने एक नया जो कनेक्टिंग करने का जो मल्टीलेटरलिज्म का जो नया सिस्टम स्टार्ट किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये कहते हैं कि देखिए इसका काम क्या है, ये क्या चाहते हैं कि इंक्लूसिव प्रोजेक्ट बनाया जाए जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज और नॉन डेमोक्रेटिक सुपर पावर है उनको कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। अभी तक हम क्या कह रहे थे, वेस्टर्न कंट्रीज और जो जो अमीर कंट्रीज है वही जो है फायदा उठाया अभी तक ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन ये देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कहते हैं ये चाहते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक सुपर पावर है या नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है उनको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंक्लूड किया जाए। लेकिन ये कह रहे हैं देखिए इससे क्या है कि पूरा चाइना जो है उनका एम्बिशन है पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया जाए। ये कह रहे हैं इफ नॉट डायरेक्टली कंट्रोल इट, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखिए अगर बात करें तो कह रहे हैं 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इन्होंने जो पूरा सेलेक्ट किया है एशिया, यूरोप, अफ्रीका के लिए, और जैसे चाइना का जो है सीपेक है, ये कह रहे हैं काफ़ी बार ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। कल भी हमने पढ़ा राज्यसभा के डिबेट के अंदर कि डेब्ट ट्रैप का इशू बहुत निकल के आ रहा है, ठीक है, डेट ट्रैप, यानी कि जो इतना पैसा दे देते हैं कि वो कंट्री जो है पूरा कर्जे में ही डूब जाता है और फिर धीरे धीरे वहां पे अपना मिलिट्री अलायंसेज वो बना लेते हैं। ये कहते हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाल दिया गया, एक तरह से जो उनका सोशलिस्ट ऑफिशियल सोशलिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर चाइना ने इंक्लूड कर दिया है, यानी कि एक कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो ये मान के चलते हैं इनका फ्रेमवर्क है जिससे पूरी पॉलिटिकल सिस्टम इनका चलता है उसके अंदर भी इन्होंने ऐड कर दिया है। ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो ट्रेड है ये बहुत फ्रेंडली तरीके से कर रहे हैं, जबकि जो अमेरिका है वो तो प्रोटेक्शनिस्ट अपना रहा है। देखिए
उल्टी अप्रोच चल रही है। चाइना चाहता है सबको कनेक्ट करना, यूएस चाहता है बिल्कुल प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, यानी कि किसी के साथ कनेक्ट ना हो, अपने ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे, जहां उस जिस कंट्री से बेनिफिट हो उसी से बेनिफिट उठाए, जहां पे उनको लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिट नहीं है उनके साथ अपने टाइज खत्म कर लो, ठीक है ये कहते हैं। लेकिन बीआरआई जो है एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, ये कह रहे चाइना को कोई मतलब नहीं है, इससे ज्यादा मतलब नहीं पड़ रहा है कि कौन उनके इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, या फंडिंग के एफर्ट जो है, क्योंकि उनको पता है ये सब चीजें वो सब मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा देखिए और जो कम्युनिकेशन टूल स्टार्ट कर रहा है चाइना, ठीक है, जैसे डिजिटल सिल्क रोड हो गया, उसमें क्या है इनोवेटिव एक्शंस लेके आ रहा है ई कॉमर्स के लिए, डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए स्मार्ट सिटीज या साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ये कहते हैं बीआरआई जो है एक तरह से जो है डेडिकेटेड अपना लॉ भी बनाया है, अगर इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं, यानी कि कोई कल को बोलता है कि हम नहीं चाहते, जैसे कल चाइना ही जो सीपैक है उससे अलग हो जाता है, इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो डेडिकेटेड लॉज बनाए जाए, ठीक है। लेकिन ये बताते कि अगर कोई डेडिकेटेड लॉ स्पेशल नहीं बनाया जाएगा, अगर सिंपल लॉज बनाए गए तो उसका बेनिफिट नहीं है, डेडिकेटेड लॉज लाने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को अगर इस तरह आगे बढ़ाना है तो, ठीक है। ये कहते हैं कन्वेंशनली देखिए ट्रेड एग्रीमेंट जब आए थे, जैसे WTO हो गया, उसका एम क्या था कि सभी जो जो मार्केट के एक्सेस है बैरियर्स हैं उसको जो है खत्म किया जाए, रेगुलेशन जो है उनको हार्मोनाइज किया जाए, या जो कोई भी अगर इनको एंट्री करता है इस तरह के एग्रीमेंट में उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, राइट। ये कह रहे हैं लीगल जो टेक्स्ट होता है वही जो है बेनिफिशियल है अगर इस तरह का जो एग्रीमेंट इतना बड़ा कर रहे हैं तो। ये कह रहे हैं कि कोई भी नेटवर्क जैसे फॉरेन जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उसके लिए प्रॉपर एक टेक्स्ट बना होता है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है प्रॉपर तरीके से चलते हैं और चाइना भी इनका पार्टी है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इस तरह का नेटवर्क जो है का कोई स्पेशल लिंक नहीं है बीआरआई से, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये बना रहे हैं इसमें कोई ज्यादा लिंकेज नहीं है कि ये कैसे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये अपने ही तरीके से जो है पूरा सॉल्यूशन निकाल के आ रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, यानी कि दूसरे कंट्री का जो है पूरा जो है कहीं ना कहीं सहमति नहीं रहती है इसमें, यानी कि क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बीआरआई को और जो है प्रेज भी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही काम ये साथ साथ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट लीगल येट, रादर डोमिनेटिंग प्रोपोजल इज नॉट ए सरप्राइज। ये कह रहे हैं कि देखिए जो यूएस सॉरी चाइना है उन्होंने इस तरह का कोई लीगल, ये कह रहे हैं कि कोई लीगल जो तरीका नहीं अपनाया है, यानी कि किस कंट्री से करना है नहीं करना है व्यापार, बीआरआई जो है कहाँ पे जो है अपना बढ़ाना है, ये कह रहे हैं कि बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बीआरआई इज नथिंग बट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेगमेटिज्म विद चाइना, यानी कि चाइना को कुछ लगता है कि उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जो फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके साथ ढल सकते हैं, तो उस ऑप्टिमिज्म को देखते हुए ही बीआरआई जैसा कदम बहुत बड़ा उठाया गया है कि कैसे पूरे जो सब कंट्रीज हैं इनको कनेक्ट किया जा सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कुछ प्रॉपर लॉज नहीं बनाए हैं, या लॉज बनाए तो पार्शियल है, टेम्परेरी है, ठीक है। किस तरह के, जैसे देखिए बोलते सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट बनाया गया है, ठीक है, उसकी दो ब्रांच होगी, चाइना इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट और वन इन द सेंगेज एंड टैकल टू मैरिटाइम रोड डिस्प्यूट और वन इन जी, ठीक है, जियान टू सेटल द ओवरलैंड बेल्ट, यानी कि ये कह रहे कि दो इस तरह के जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट बनाए गए उसके दो ब्रांचेज है, एक तो जो है चाइना का ये ब्रांच ऑफ चाइना इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट, तो वो चाइना के जो भी कॉमर्शियल इश्यूज होंगे उसको सोल्व करेगा, दूसरा जो मैरिटाइम डिस्प्यूट है, ठीक है, लैंड लैंड का अलग है और मैरिटाइम का अलग है, तो उन इश्यूज को जो है डिस्कस करने जो है सोल्व करने के लिए डोमेस्टिक जो है रेजोल्यूशन बीआरआई के अंदर पास किए गए हैं। लेकिन वही बात के क्योंकि जो इन्होंने अपने लॉज पास किए हैं, ठीक है, तो वहीं पर पूरा जो डिसीजन लिया जाएगा तो हमेशा चाइना के ही फेवर में लिया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ये कह रहे हैं कि देखिए नेचुरली अगर बात करें इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट कुड बी ऑल्सो बी सेटल ऑन द बेसिस ऑफ चाइनाज इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये कह रहे हैं कि जो और जो इश्यूज डिस्प्यूट जो आ सकते हैं उनको भी जो है चाइना इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से जो सोल्व करने की कोशिश करेगी, नेशनली और इंटरनेशनली जो इस तरह के आर्बिट्रेशन फोरम है उनका भी यूज किया जा सकता है, राइट। तो फाइनल देखिए यही बताते हैं कि ये जो इशू है इन्होंने बीआरआई जो पूरा किया है, ये कह रहे हैं कि देखिए एक अच्छी बात है कि ये जो है इसको पूरा कनेक्ट कर रहे हैं सभी कंट्रीज, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या जो सुपर पावर नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है इसके नॉर्म्स है वो ठीक नहीं है, यानी कि इस तरह की कमेटीज बनाई जा रही है, इस तरह के कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो है सिर्फ चाइना को ही जिसका फेवर मिलेगा, यानी कि और कंट्रीज को इसका बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट। ये पूरा आर्टिकल के अंदर बताते हैं। ये कहते हैं कि देखिए अगर बीआरआई की बात करें तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन नहीं है, कल हमने आर्टिकल के अंदर पढ़ा था, देखिए आपको पता है ये सिर्फ इकोनॉमिकली काम नहीं कर रहे हैं, ये इसका बेनिफिट जो है पूरा मिलिट्री अलायंसेज भी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ये पूरा बीआरआई को जो है कल एक पैनलिस्ट बता रहे थे ये इकोनॉमिक
प्लस मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी है ये। ये कह रहे हैं कि देखिए जैसे रिकैप है, रिकैप में क्या है, अभी कोशिश कर रहे हैं आसियान कंट्रीज जो है और जो 6 कंट्रीज है साथ मिलकर काम करें, मार्केट एक्सेस हो, इंटीग्रेशन हो, लेकिन जो है BRI का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो सिर्फ मोस्टली कॉमर्शियल डिस्प्यूट पे ही ध्यान देता है, ठीक है, जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं या फिर ऑब्लिगेशन, और चीज़ों पर ध्यान नहीं देता कि यानी कि जो है कब कोई कंट्री आएगा वो एंटर करेगा, कब वहाँ से एग्जिट करेगा, राइट। ये कह रहे हैं देखिए BRI एम्ब्रेस ग्रेटर ट्रेड लिबरलेशन गोल कैनॉट बी एंटायरली रूल्ड आउट। ये कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि ये इनकी कोशिश है कि पूरा जो ट्रेड है, पूरा जो वर्ल्ड का ट्रेड है उसको पूरा लिबरलाइज किया जाए, सबके लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि फाइनल यही है कि जैसे WTO है, अब WTO का फेल्योर है ये, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज तक कुछ ऐसा नहीं कर पाई है कि जो पूरा जो सिस्टम है उसको स्मूथ लाइन कर सके, यानी कि WTO एक तरह से फेल्योर ही नजर आ रहा है, और उसके वीकनिंग होने के कारण जो है उसके जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो प्रॉपरली जो मानते नहीं है कंट्रीज, तो उसको देखते हुए ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव चाइना ने स्टार्ट किया है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, पूरा इशू क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3-4 आर्टिकल और थे, ये आप जो है पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर से, मैं आपको बता रहा हूँ। रिम्स, ये रिम्स वाला है तितली साइक्लोन से रिगार्डिंग, ठीक है, अभी जो साइक्लोन आया था। इसके अलावा 2 साल्ट क्रोकोडाइल पाए गए हैं, देखिए ये आपको समझना होगा कहाँ कहाँ जो है साल्ट क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, प्रीलिम में पूछा जा सकता है। एक का आपका जो सुंदरबन है, ठीक है, कोलकाता में जो आपका वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है वहाँ पे, उसके अलावा भरतकनिका नेशनल पार्क तो है ही, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, तो यहाँ पे जो है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रोकोडाइल से रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन आ भी चुका है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और आज थोड़ा टाइम समय की कमी है, तो एक्चुअली ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है आज, तो इसलिए हम पूरा पूरा डिस्कस नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा देखिए क्रूज भी स्टार्ट की है, बांग्लादेश और इंडिया की जो जो मेजर डेस्टिनेशन है उनको ये कनेक्ट करेगी क्रूज, ठीक है, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये पूरा आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा ऑफिस में इमरजेंसी के कारण मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।